हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, डेली आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, है ना, चारों सब्जेक्ट की आपकी फ्री लाइव क्लास यहाँ पर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर मिल रही है। तो बच्चों, हमने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है। शुरू से आखिर तक एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, आपकी 12वीं क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ यदि पास होना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लेकर लाया हूँ जो प्रश्न वाली आपकी 2C है ना, उसमें फलनों का संयोजन। मैथ्स के अंदर जो हम 12वीं के मैथ्स की बात करते हैं, कक्षा 12वीं में जो गणित है आपका, इसमें जो प्रश्न वाली आपकी 2C है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या इसको अपन बोलते हैं फलनों का संयोजन। तो बच्चों, फलनों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये फलन दिया है आपको x, है ना, इसका संबंध है इस फलन f के साथ fx के साथ, मतलब ये दोनों का संबंध है। जब fx फलन के साथ एक तीसरे फलन के साथ संबंध होगा, उसका नाम है मान लो g, तो g का संबंध इस तरह से होगा कि ये fx होगा और इन दोनों का संबंध होगा। तो ये जब तीनों फलन जो रहते हैं, तीनों फलन और ये फर्स्ट वाले फलन का संबंध ऑटोमेटिक लास्ट वाले के साथ हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो फलन है इसका संबंध है सेकंड वाले के साथ में, और सेकंड वाले का संबंध है थर्ड वाले के साथ में। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या फलनों का संयोजन। तो बच्चों, इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि जो रेंज निकलेगी फलन एफ की, मतलब ये जो फलन एफ है इसकी जो रेंज निकलेगी वो इस प्रकार होगी कि वो बराबर ये आ जाए कि इसकी डोमेन जी के, जो इसका डोमेन रहेगा इस जी का, जो वाला फंक्शन है इसका, जो आप डोमेन निकालोगे जी का, तो ये इस प्रकार से परिभाषित होगा यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है। तो इस वाला जो फलनों का जो संयोजन है उसको बोला अपन जी ओ एफ, है ना, क्वेश्चन आपको इसी टाइप का आएगा, जी ओ एफ, है ना। और एक होता है आपका एफ ओ जी, एक क्या होता है आपका संबंध, इनका जो संयोजन होता है वो क्या होता है एफ ओ जी। वो किस प्रकार होगा कि मान लो ये फलन है कोई सा आपका एक्स, है ना, उसका संबंध है मान लो कोई दूसरा फलन जी के साथ, तो वो जाएगा जी एक्स, इन दोनों का संबंध है जी एक्स और एक्स का, तो फिर इस वाला जो फलन है, ये जो सेकंड बीच वाला फलन है, इसका संबंध हो जाएगा एफ जी एक्स, है ना। इसको आप बड़े ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर सकते हो। तो ये वाली जो कंडीशन अगर फॉलो होती, तो इसमें रेंज निकालोगे आप जी की, ये जो जी वाला फंक्शन है इसकी जब रेंज निकालोगे वो सब डोमेन हो जाएगी किसकी, इसकी एफ की, है ना, ये जो आपका एफ वाला फलन है इसकी क्या हो जाएगी सब डोमेन। तो ये वाली कंडीशन यदि फॉलो होती है तो उसको बोलेंगे अपन एफ ओ जी। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये दोनों कंडीशन लिख सकते हो, ये फलनों का संयोजन है। तो आइए अब मैं आपको इस पे एक IMP महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं हम उस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से मैं लिख देता हूँ, फिर अपन इसको हल करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट टाइप का। माना एफ एक फलन ऐसा दिया है कि 2, 3, 4, 5, सच देट ऐसा है कि 3, 4, 5 और 9, है ना। तो जी एक दूसरा फलन है, उसका मान अपने को दिया है 3, 4, 5 और 9, और इस तरह है कि 7, 11 और 19, दो फलन इस प्रकार है कि एफ 2 का मान दिया है 3, एफ 3 का मान दिया है 4, एफ 4 बराबर एफ 5 के और इसका मान दिया है 5, और जी 3 का मान दिया है जी 4 और बराबर है 7, और ये जो जी 5 है ये इसका मान दिया अपने को बराबर में जी 9, और इसके बराबर में अपने को दिया है कितना 11 हो। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, इसको जी ओ एफ सिद्ध करना है ना, मतलब ये वाली कंडीशन अपने को सिद्ध करना है। तो इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने को रेंज निकालनी है एफ की। क्या निकालनी है बेटा अपने को, बच्चों अपने को रेंज निकालनी है किसकी, एफ की, है ना। तो एफ की रेंज अपन निकालेंगे, मतलब एफ की जो जो अपने को यहाँ पर रेंज दी लिख लीजिए। तो एफ की अपने को रेंज यहाँ पर दी है एक तो 2, फिर यहाँ पर दिया है अपने को 3, और 3 के बाद में दिया अपने को 4, और 4 के बाद यहाँ पर दिया है 5, है ना। तो सबसे पहले अपन ने रेंज निकाल ली है जी एफ की, फिर अपन इनका डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन निकाल लो, डोमेन निकाल लो यहाँ पर एफ के। तो इसके जो डोमेन अपने को दिया है यहाँ पर, अपने को दिया है डोमेन 3, 3 के बाद में अपने को यहाँ पर दिया है 4, और 4 के बाद में अपने को यहाँ पर दिया है 5, ये इसके क्या दिया है डोमेन, है ना। तो अपन ने रेंज निकाली पहले एफ की, फंक्शन एफ की रेंज निकाली अपन ने 2, 3, 4, 5 निकाल के, फिर अपन ने डोमेन निकाला एफ का। तो एफ का डोमेन दिया है पे 3, 4 और यहाँ पर दिया है अपने को 5। ठीक उसी प्रकार अपन रेंज निकालेंगे जी की, है ना।
तो यहाँ पर रेंज निकाल लेते हैं अपन जी की, तो जी की अपने को जो रेंज दी है बराबर में, यहाँ पर आप बराबर भी लगा सकते हो, यहाँ पर जो रेंज दी है जी की वो लिख लो। जी की रेंज क्या क्या दी अपने को, तीन दिया है, चार दिया है ना, तीन दिया है, चार दिया है और एक और क्या दिया है, पाँच। तो ये अपन ने निकाल ली इसकी रेंज निकाल ली जी की। अब डोमेन निकाल लो जी के, डोमेन निकाल लिया अपन ने जी के। तो डोमेन यहाँ पर अपने को क्या क्या दिए बच्चों, डोमेन अपने को दिया है यहाँ पे सात और ग्यारह, क्या क्या दिया है अपने को यहाँ पे दिया है सात और ग्यारह। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन अपने को दिख रही है, ये जो आपका रेंज है जी की, ये जो रेंज है आपकी जी की, ये किसके बराबर आ गई, डोमेन एफ के, है ना। तो ये अपन लिख देंगे इसको सबसेट, इसके जाएगी डोमेन एफ के बराबर हो जाएगी। तो ये जब इस तरह का कंडीशन बनती है कि रेंज एफ सबसेट हो जाएगा डोमेन एफ के, तो ये वाली जो कंडीशन, या फिर आप इसे लिख सकते हो जो रेंज आई है एफ की, ये आ जाएगा आपका एफ की जो रेंज आई है वो डोमेन किसके आई है, ये रेंज ऑफ जी आई है, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो डोमेन ऑफ एफ की आई है। तो इससे ये वाली जो कंडीशन यदि कहीं पर लागू होती है तो वो वाला फंक्शन क्या कहलाता है, जी ओ एफ, है ना। तो यहाँ से अपने पास सिद्ध होता है बच्चों कि ये जो फलन है ये कैसा है, जी ओ एफ वाली कंडीशन, मतलब ये तीनों के बीच में इस प्रकार संयोजन करता है ना। तो ये फलनों के संयोजन के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, बाकी के क्वेश्चन अब हम इसमें और करेंगे बच्चों। तो ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।